ये अचानक बैठक नहीं है, ये पहले से ऑलरेडी बैठक बुलाई गई है। और अब जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का बिहार का दौरा होने वाला है, बिहार के लोगों के बीच आभार यात्रा करने वाले हैं, धन्यवाद यात्रा करने वाले हैं, ये कहाँ से अचानक थोड़ी ये बैठक है, ये पहले से बैठक निर्धारित है। मुख्यमंत्री जी से और नेता प्रतिपक्ष का मिलना ये कोई बड़ा मायने नहीं रखता है, कभी भी मिल सकते हैं, बिहार के हर एक मुद्दे पर मिल सकते हैं, बाकी ऐसी ऐसी कोई बातें नहीं है। ऐसी हम लोग की कोई चाहत, हम लोग की यही चाहत है कि हमारा बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, बिहार को कैसे हम बेरोजगारी से मुक्त करेंगे, कैसे महंगाई घटेगी, कैसे किसान का आय दोगुना होगा, कैसे युवाओं को रोजगार मिलेगा, कैसे हमारे छात्र छात्राएं का भविष्य उज्जवल होगा, इस पर चिंता ज़्यादा रहती है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार के मुलाकात को लेकर के अब बिहार की सियासत गरमाई हुई है और इसी क्रम में राजद के प्रदेश कार्यालय में विधायक, विधान पार्षद और जिला अध्यक्ष के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बड़ी बैठक कर रहे हैं। और इस बैठक में जो है, अब देखिए, राजद से सांसद हैं अभय कुशवाहा, वो दिल्ली से भागे भागे पहुंचे हुए हैं और उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहते हुए हैं, कि आखिर क्या वजह रही जो वो दिल्ली से भाग करके पटना पहुंचे हैं। सबसे पहले क्या कुछ कहते हुए नज़र आ रहा है इसको लेकर के, सबसे पहले आप वो सुन। ये अचानक बैठक नहीं है, ये पहले से ऑलरेडी बैठक बुलाई गई है। और अब जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का दौरा होने वाला है, बिहार के लोगों के बीच आभार यात्रा करने वाले हैं, धन्यवाद यात्रा करने वाले हैं, ये कहाँ से अचानक थोड़ी ये बैठक है, ये पहले से बैठक निर्धारित है, उसी पर आज चर्चा होगी। देखिए जो भी बातें आएगी वो सब आप लोग के सामने आ जाएगी। कहाँ इसमें देखिए, दोनों बिहार के वो सीएम है, माननीय बिहार के सीएम है वो, और माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तो मुख्यमंत्री जी से और नेता प्रतिपक्ष का मिलना ये कोई बड़ा मायने नहीं रखता है, कभी भी मिल सकते हैं, बिहार के हर एक मुद्दे पर मिल सकते हैं, बाकी ऐसी ऐसी कोई बातें नहीं है। ऐसी हम लोग की कोई चाहत, हम लोग की यही चाहत है कि हमारा बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, बिहार को कैसे हम बेरोजगारी से मुक्त करेंगे, कैसे महंगाई घटेगी, कैसे किसान का आय दोगुना होगा, कैसे युवाओं को रोजगार मिलेगा, कैसे हमारे छात्र छात्राएं का भविष्य उज्जवल होगा, इस पर चिंता ज़्यादा रहती है। नीतीश की चाहत नहीं है, ये बता दीजिए ना, नीतीश की चाहत है या नहीं राजनीति? हम कहते हैं कि चाहत बिहार को बढ़ाने की है। तो आपने सुना उनका कहना है कि देखिए, बैठक तो पहले से ही तय था, लेकिन जो परिवर्तन की बातें कही जा रही है, और सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात को लेकर के जो बातें कही जा रही है, उस बात को लेकर के हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं, आखिर क्या बातचीत हुई है। लेकिन तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार के मुलाकात के बाद जो बातचीत हुई थी उसको लेकर के भी सामने आए थे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कहा है कि 9वीं अनुसूची को लेकर के हमने बातें कही थी, लेकिन इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली से भागे भागे पहुँचे हुए हैं अभय कुशवाहा। आखिर क्या होगा, क्या बिहार में फिर से जो है बड़ा खेला होने वाला है, देखते रहिए वाला बिहार, क्योंकि जब बैठक खत्म होगी उसके बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है वो भी हम अपडेट आप तक पहुंचाते रहे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।